Sit. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग जो होने वाला बहुत ही खास, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9:07 और मैं आज निकल रहा हूँ घर से और दिल्ली जाऊँगा। सो विराट से बाय बाय। विराट अभी स्कूल जाएगा, विराट खाना खा के, तो बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय। And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna... जस्ट तो अभी घर से निकल ही पड़ा हूँ और निकलते ही मेरे को 500 का नोट मिला है, जो कि ना किसने दिया ये नहीं बता सकता, मगर आगे चलते हैं। और आगे अभी जो जा रहा हूँ मैं बोगला स्टेशन, बोगला स्टेशन से मेरे को मिला है ट्रेन, और ट्रेन में चढ़ के जाना है कोलकाता, कोलकाता से फिर जाना है दिल्ली। तो आसमान बिल्कुल खुल चुका है, जो कुछ दिन से बारिश हो रही थी, ट्रेन टाइम पे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए ना साड़ी लेना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया, आके भाग के आके ट्रेन पकड़ा। और ट्रेन पकड़ने के बाद सीट भी मिल चुकी है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा है, 3 घंटा का सफ़र है अभी बोगला टू कोलकाता, मतलब शेल्डर स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ से मेरा एक दोस्त आएगा जो कि जीत है, जो कि आप सब जानते ही हो, वो आके मेरे को पिक करेगा और उसके पास ही रात भर रहूँगा और सुबह निकल जाऊँगा अपने मंजिल की तरफ, दिल्ली की तरफ, मम्मी पापा के साथ। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे विधाननगर स्टेशन और वेट कर रहा हूँ जीत का। तो अभी जीत आ नहीं रहा है, तो देखते कब तक आता है, मगर इसके सामने एक फ्लैट है, ये फ्लैट बहुत ही महंगा होगा, आई एम डैम श्योर। तो कभी अगर पैसे वैसे होगा तो यहाँ पे भी एक फ्लैट ले लेंगे। ये बिल्कुल कोलकाता से, मतलब शियालदह स्टेशन से 2 स्टेशन आगे है विधाननगर, इसके बाद ही शियालदह, और बीच में दमदम है। तो वही है कि बात यहाँ पे बहुत 4:55 हो भी चुका है, और अभी देखते कब तक आता है, विधाननगर रोड लिखा भी हुआ है। तो जीत आ चुका है, अब चलते हैं जीत के हॉस्टल, और हॉस्टल में क्या क्या मस्ती होती है, क्या नहीं होती है, वो भी आपको बताऊंगा, और हॉस्टल कैसे जाना है ये बता देता हूँ। अभी तो उसने बोला पहले सीढ़ी चढ़ के जो पहले रोड क्रॉस करना है, और रोड क्रॉस करने के बाद हमें लेना है ऑटो। तो अभी हम लोग ऑटो के लिए रोड क्रॉस कर रहे हैं, और मेरा जो पीठ का बैग है ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, इसमें कुछ होगा आराम से 30 kg तो वेट होगा ही। तो हम लोग वो लेकर चल रहे हैं, और जीत भी आया था, तो जीत ने भी एक बैग पकड़ लिया है। तो अभी देखो रोड क्रॉसिंग करने के लिए एक रोड के बीच में से और एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, और जस्ट इसके सामने ही, लाइक हम लोग ऑटो से आ चुके थे, और इसके सामने ही है उसका हॉस्टल। तो हॉस्टल का गेट कुछ ऐसा है, और जीत ने भी 2 बैग ले रखा है, और ये बैग लेके मेरे को कल जाने में फट जाएगी, लिटरली बहुत ज़्यादा भारी है। तो एक लैपटॉप बैग है, एक इसमें थोड़ा बहुत खाना है वहाँ के लिए। तो चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के फिर आपको दिखाते हैं। सो ये ऊपर आ चुके हम लोग, मतलब उसके रूम में बैग रख के बिल्कुल टेरिस पे आ चुके हैं, और टेरिस से कुछ यहाँ का कोलकाता का जो नज़ारा है कुछ ऐसे दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके सामने ही बहुत सारे लाइक यहाँ पे शॉप्स है, मान्यवर टाइप का, या फिर जो भी एक्सपेंसिव जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और रात को हम लोग निकल पड़े थोड़ा बहुत बाहर का खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, हम लोग देखते हैं और आगे निकल पड़े। और इस टाइम ना हम लोग छाता नहीं लेके आए थे, तो बारिश बहुत ही तेज़ होने लग गई थी, एकदम से रैंडमली बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश में हम लोग भीग के जा रहे थे, अब क्या कर सकते, छाता तो लाए नहीं है। तो रूम पहुंचने के बाद कुछ उसका नज़ारा, रूम का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और बाहर हो रही है बारिश और अंदर ऐसे रोमांटिक लाइट। और बाहर से जो खाना लेके आए थे वो है चिली सोयाबीन, अब ये भी नया ट्राई करता हूँ और बताता हूँ। वैसे तो सोयाबीन बहुत ही सही था। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग आ चुके हैं नीचे खाना खाने के लिए, ये है हॉस्टल का मेस, जहाँ पे यहाँ पे खाना बनता है, और यहाँ पे खुद से ले लेना होता है खाना, सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोगों ने खुद से ये लिया है, राइस लिया है, और उसके साथ जो सब्जी था शायद दाल था, और मेरे को इतना याद है, मतलब ये वीडियो में वॉइस और बाद में डाल रहा हूँ इसलिए अभी याद नहीं आ रहा है, शायद दाल था, और दाल के साथ हाँ एक चिकन, सॉरी बाबू एक अंडा था, अंडा फ्राई, और दाल के साथ सब्जी, बस यही सब्जी था। तो आगे लेते और लेके थोड़ा सा खाना पीना खाते। बाय द वे ये बता दूँ, ये जो हॉस्टल है ये है सरकारी हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल है होम्योपैथी का। तो यहाँ पे एज ए गेस्ट मैं अलाउ, मतलब इन लोग अलाउ करते, तो मैं यहाँ पे 1 रात के लिए आया था। आप भी अगर आपका कोई दोस्त है आप जा सकते हो। सो दाल रख देता हूँ और थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग, हो चुके सुबह, न्यू डे न्यू सुबह, और कल रात को इतने ज़्यादा बारिश हुआ, खाना पीना खाने के आने के बाद एकदम से जो सोया, जस्ट अभी उठ रहा हूँ, जस्ट फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ।
इतना भारी बैग मैं कैसे उठाऊं, सोच रहा हूं सुबह सुबह कि कमर पे चोट ना लग जाए। तो सुबह हो चुके, हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके और निकल रहे अभी हावड़ा के लिए। सुना यहाँ से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो मैं रात को इसलिए यहीं पे आकर रुका हुआ था। तो अभी निकलते हैं और निकल के बाद अभी बस लेना है बाहर जाके, और बस लेके फिर निकल जाना है हावड़ा के लिए। और बाहर बारिश अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, देखते जाते थे तेज़ ना हो जाए, बस यही डर है। अब डर को ख़त्म करने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। हम नीचे आ चुके हैं निकलने के लिए, तो निकलते हैं और बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। और तो खैर अभी भी बारिश हो ही रही है, सुबह सुबह भी मैं देख रहा हूँ कि बारिश का आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रहा था, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया था और पता नहीं कैसे भी ये बंद भी हो गया था। और सामने हमारे जीत भाई चल रहे, थैंक यू सो मच जीत भाई। और सुबह हम लोग 6:19 पे घर रूम से निकल चुके थे और 8:15 पे हमारी ट्रेन है। मुझे लगा पहले 8 बजे ट्रेन है, फिर सुबह सुबह चेक किया ना, फिर देखा दिया 8:15 पे ट्रेन है। और अभी चलते हैं स्टेशन, और स्टेशन जाने के लिए हमें बस लेना होगा, और बस के लिए हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, और वहाँ से बस आएगी जो कि ना हावड़ा 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 बोलते बोलते आएगी। और हावड़ा स्टेशन में जाके बैठेंगे, और बस स्टैंड पे कुछ एक स्टैचू था उसका भी थोड़ा सा फोटो ले लिया गया। अब बस तो आ चुकी है, बस में भी हम लोग चढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो शुरू हुई बारिश, खतरनाक वाली बारिश शुरू हुई है। और मुझे मिला था बिल्कुल गेट के सामने वाला सीट, और इसमें पता है रो ऐसे लगा हुआ है कि जैसे आप साइड से बैठे हुए वॉल के साथ, तो बस के वॉल के साथ ही मैं बैठा हुआ था। और सामने का जो व्यू था वो एक नंबर लग रहा था, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा है मेरे पास, देखो हर कोई छाता लेके जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रहा था अभी इस टाइम पे। और इस टाइम पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि बारिश की वजह से जैम ना लग जाए, अगर बारिश की वजह से जैम लग जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी हम लोग जल्दी निकल गए, मगर कोलकाता का जैम मैंने सुना है बहुत ही ख़राब जैम है, तो इसलिए बाय द वे हमें बहुत ही खूबसूरत नसीब था, हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके हैं। और हमारे पास अभी भी 1 घंटा है, मतलब हम लोग 6:19 पर निकले थे मगर हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके हैं, 1 घंटा अभी भी हमारे पास है। तो हम लोग ने जस्ट अभी चाय ऑर्डर किया है और एक चाय पीते, थोड़ा सा गर्मी लगेगी। चाय पीते पीते मैंने रेलवे का कुछ सैवेज रिप्लाई देखा, मतलब सैवेज बैनर देखा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीवार पर मत थूकना, ठीक है, बहुत ही सही तरीके से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, बहुत सही तरीके से मार्केटिंग किया है। और भी दिखाता हूँ आपको, इधर भी लिखा हुआ है कि अरे वो सांबा ये कितना रुपया फाइन लगता है गंदगी फैलाने पे, 500 रुपया। बहुत देर चाय पीने के बाद हम लोग स्टेशन की तरफ चल पड़े, और बोला गया था कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो 9 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अभी तक तो ट्रेन आई नहीं है, मगर ट्रेन का विजल तो सुनाई दे रहा है कि ट्रेन आ रही है, और बिल्कुल ट्रेन मतलब टाइमली छूट जाएगी ये हमारा उम्मीद है, क्योंकि 8:15 पे टाइम है और 7:34 हो रहा है अभी टाइम, तो इस टाइम पे ट्रेन का विजल सुनाई दे रहा है, मतलब ट्रेन एंट्री ले रहा है और सब लोग भी स्टेशन पे आ चुके हैं, तो हम लोगों भी इसलिए हम लोग उठ के आ गए। वैसे तो हमारा सीट रिजर्वेशन है, बिल्कुल एसी में जाएंगे। और आपको आज बताता हूँ पूर्वा की कहानी जो कि ना है सबको सुनानी। अरे वाह, यहाँ पर तो रिजर्वेशन चार्ट भी एकदम से डिजिटल हो चुका है, वाह वाह डिजिटल इंडिया, सही है सही है। चलिए इस ट्रेन के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। एंट्री तो ले चुके हैं पूर्वा एक्सप्रेस हमारी, तो ये जो ट्रेन है ये 1 अक्टूबर 1956 में पहली बार चालू हुआ था, और इसको चलते चलते 65 साल हो चुका है। ये ईस्टर्न रेलवेज के अंडर आता है, और ईस्टर्न रेलवेज के अंदर ये 65 साल से अपना सर्विस देते जा रही है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें ना स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है, इसमें 20 स्टॉप्स है हावड़ा टू दिल्ली में, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। मगर ये जो ट्रेन है ये राजधानी से भी बहुत पहले की ट्रेन है, क्योंकि जो राजधानी एक्सप्रेस चालू हुई थी ये 1969 में चालू हुई थी, और ये जो चालू हुई थी ये 56 में चालू हुई थी, तो आप सोच सकते हो कि कितना पहले का ये ट्रेन है। तो इसीलिए ये ट्रेन को बोला जाता है वन ऑफ द लाइक सबसे बेहतरीन ट्रेन और सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन में से भी एक ट्रेन, जो कि ना हावड़ा से दिल्ली चलती थी, और ये सुपर फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ इसमें स्लीपर क्लच भी है, नॉर्मल टिकट भी है, और इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड टायर सब कुछ है इसमें। तो इसका जो डिस्टेंस पड़ता है ये डिस्टेंस है 1449 किलोमीटर,
हावड़ा टू दिल्ली, तो और इसका जो टाइम है ये 21 घंटा 50 मिनट लगता है, जो कि ना अभी 8:15 पे छूटने वाली है और उसके बाद पहुंच जाएगी कल सुबह की 6 बजे तक। तो देखते हैं कल सुबह कितने बजे तक पहुंचती है, मगर अभी मैं लाइन में लगाऊँ कब तक चढ़ूँगा यही नहीं पता। तो अभी फाइनल मतलब सब लोग अंदर चले जा चुके हैं और अभी फाइनल मेरी एंट्री हो रही है। सो हेलो गाइस, मैं अभी उठ चुका हूँ मेरे पूर्वा ट्रेन में, फाइनली ट्रेन के अंदर पहुँच चुके और जीत आएगा छोड़ने, तो जीत अभी जाएगा फिर अपने कॉलेज जाएगा। तो अभी सीट भी मिल गई है, करीब 6 महीने बिताने के बाद मैं फिर से लौट पड़ा हूँ मैं अपने फिर से मम्मी पापा के पास, और जो कि ना मम्मी पापा जो रहते गुड़गांव में रहते, तो मेरे को जाना पड़ेगा बेसिकली दिल्ली, दिल्ली से जाना पड़ेगा गुड़गांव। और मैं मिस कर रहा हूँ जो चीज़, वो है सारे दोस्तों को, घर पे बिताए हुए सारे पल को। तो इसलिए मेरे को रूम मतलब जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे सही नहीं लग रहा था, तो बाहर आके मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा और बाहर के नज़ारे देखते रहा, क्योंकि मेरे को घर के बारे में बहुत सारी चीज़ याद आ रहा था और मेरे को सही नहीं लग रहा था। सो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर ही आके अपने आप को टाइम दे रहा था, जो कि ना मुझे सही लग रहा था, क्योंकि एकदम से इतने दिन के बाद मैं डिटैच हो रहा हूँ और एकदम से फिर अभी जा रहा हूँ और फिर कब लौटूंगा ये भी नहीं पता। तो इस खुशी में या इस गम में, एक तरफ की खुशी ये है कि मम्मी पापा और वेला से मिलूंगा, और दूसरी तरफ की गम है कि सारे दोस्तों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं फिर से कब मिलूंगा। सो फिलहाल ट्रेन छूटी हुई बहुत देर हो चुका है, 8:38 हो चुका है, 8:15 पे ट्रेन छूटा था, और अभी का तो नज़ारा बाहर देख ही सकते हो, और इसलिए मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अभी जस्ट जीत गया ना, तो 9:27 हो रहा है और अभी आ चुका है बर्धवान स्टेशन। बर्धवान स्टेशन तो थोड़ा सा पास ही में है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुँच भी गया, और यहाँ से छूटने के बाद, बर्धवान से छूटने के बाद अभी आगे रुकेगी। तो बात ये नहीं है कि कहाँ रुकेगी कहाँ चलेगी, एक बार जब चढ़ चुका हूँ तो लेके ही जाएगी मंजिल, मगर ये है कि थोड़ा बहुत याद तो आ ही रहे सब। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं। और अभी जो ये ब्यूटीफुल से व्यू देख रहे हो, ये जस्ट मैं पैंटिकर में आया हूँ और पैंटिकर के अंदर आके खाना खा रहा हूँ। सो पैंटिकर के अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जब थोड़ा सा वहाँ से मूड ठीक हुआ तो मैं जाके सो गया था, और सो के जब उठा तब तक बहुत देर हो चुका था शाम के, तो इसलिए मैं उठ के फिर चला गया डायरेक्ट पैंटिकर, और पैंटिकर में जाके कुछ ये लिया ऑमलेट वाला, और उसके बाद खाना खा के फिर आ चुका हूँ वॉशरूम। और ये है A1 क्लास का वॉशरूम जो फर्स्ट एयर होता है, इसमें 2 तरीके का टिश्यू रखा होता है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है, जो कि बहुत सही बात है। A1 फैसिलिटी ले रहे हो तो ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। और बाय द वे यहाँ का भी देखो जैगुआर का लगा हुआ है इसमें, जो कि हर जगह पे प्लास्टिक का लगा हुआ है। अब आपको पता ही है जैगुआर का कितना महंगा आता है, और वो ट्रेन में लगा हुआ है बस फर्स्ट क्लास वालों के लिए। तो फर्स्ट क्लास वाले ट्रेन में अगर जो सफ़र करते उनको एकदम फर्स्ट क्लास ही प्रोवाइड किया जाता है। कोई वॉशरूम में भी कोई एकदम से वो नहीं है कि वॉशरूम में कोई ये रह जाए, खामती रह जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर पानी बहुत खारा खारा से लगा, पानी एकदम से ब्लैक ब्लैक निकला, और मैं थोड़ा सा अपना बाल सेट कर लेता हूँ, और देखो लग रहा हूँ ना सेक्सी एकदम। मैं फिर से आया, आके सो गया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और सो के उठने के बाद मैं फिर से शाम को खड़ा हूँ यहीं पे खिड़की के पास, जो रोड मतलब जहाँ पे वॉशरूम है वहाँ पे जो खिड़की है वहीं पे खड़ा हूँ, और यहाँ से नज़ारा देख रहा हूँ बाहर का। पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था, आई डोंट नो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था वो सब मेरे को नहीं पता। और ऐसे कुछ सोने का था जहाँ पे बिल्कुल भी जगह कम, मतलब बहुत ही जगह कम थी, और यहाँ से पीछे का ये लाइट है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, और कोई काम ही नहीं था, बैठने का जगह ही नहीं था, क्योंकि एक ओल्ड एज पर्सन थे, मतलब एक कपल थे, तो उनके वजह से बैठ नहीं पा रहा था, तो उनको भी मैं छूट दे रखा था। और मैं फिर से सो जाता हूँ, और उसके बाद फिर से उठता हूँ 5:11 पे, और उस टाइम पे मैंने एक चाय भी ऑर्डर करता हूँ। तो चाय ऑर्डर करने के बाद जब चाय आती है थोड़ा सा पी के एहसास होता है, हाँ भाई तुम छोड़ चुके हो, थोड़ा ठीक हो जाओ, अब आगे और भी काम करना है। तो उसके बाद आते हैं भेलपुरी वाले, तो उससे चने भी लेता हूँ और भेलपुरी भी लेता हूँ, और उसका भी बहुत सही टेस्ट था, ग्रू बहुत ही सही टेस्ट था, खा के तो एकदम से मज़ा ही आ गया। तो
खाना खाते हैं और उसके बाद ना मेरे को एकदम जीभ में पानी आने लग गया और 8:53 पे ये सब सारे खाना पीना हो चुका था। और उसके बाद बाहर देख रहा हूँ यहाँ पे एक स्टेशन पे पहुँच गए थे और वो जो स्टेशन है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम है, जो कि ना बहुत लोग जानते हैं और इस स्टेशन को मुगल सराय के नाम से बहुत लोग पहचानते हैं। सो इस स्टेशन पे मैं भी थोड़ा सा बाहर आया थोड़ा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि पैर लग चुका था, बहुत देर से लेटा पड़ा था तो इसलिए अंदर आया और अंदर के थोड़ा सा बैठा। उसके बाद ट्रेन छूटने लग गई और मैं अपना थोड़ा सा बैठ के वीडियो बनाने लग गया। मैं क्या बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा था और मैं खाने के लिए वेट कर रहा था कब तक डिनर आएगा। तो 8:21 हो चुका था, उसके बाद भी डिनर नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जाकर फिर से वही जो सुबह से लेकर शाम तक जब काम कर रहा था बाहर झांकना, वहीं पे जाकर मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूँ और बाहर देखते रहता हूँ कि बाहर का नज़ारा रात को भी कैसे लगता है। मेरे को कुछ खास दिखाई नहीं देता है और मेरा हिम्मत नहीं होता कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देखूँ, क्योंकि अंधेरा पूरा हो रखा था। अगर कोई एक्सीडेंटली कोई अंदर आ जाता है तो फिर मेरे ही नाम पर लगेगा। तो मैंने ये कोई भी बेवकूफ़ी वाली काम नहीं किया, बस वॉशरूम के सामने वहीं पर खड़ा रहा थोड़ी देर और उधर से ही लोगों को देखने लग गया और मैं बाहर ही देखने लग गया। क्या ही करूँ, अब का कुछ काम है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं बाहर ही ईयरफोन लगा के गाना सुन रहा था और बाहर देख रहा था। कोई काम धंधा तो था नहीं, तो काम धंधा नहीं होने के बाद भी मेरे को पता नहीं क्यों बार बार भूख लग रहा था और मैं वेट कर रहा था कब तक खाना आएगा, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर किया था शाम को 6 बजे और अभी 8:30 हो चुका है, तब जाके खाना आया। जबकि ना मतलब 8:30 से ज़्यादा हो चुका है, 8:45 बज चुका था तब जाके खाना आया। और खाना देख के मेरे अंदर का एकदम सा था ना क्रेविंग, ओ भाई खाना आ गया, मगर जब खोल के देखा इसमें बस दाल और इसमें इतना कोई सब्जी और दोनों मिक्स हो रखा था और इसमें है रोटी और इसमें होगा आलू की सब्जी थी उसमें, और खाना खाया और ब्लैकआउट हो। अगले ही मॉर्निंग में सो ही रहा होता हूँ तब जाके कोई बताता है कि दिल्ली आ चुकी है। अरे मेरी जान दिल्ली आ चुकी है, 5:40 हुआ है जो कि मैं बाहर आके देख रहा हूँ और दिल्ली पहुँच गई थी 5:15 तक टाइम में ही, इतने जल्दी इतना फास्ट सर्विस, बाप रे 6 बजे का टाइम था और देख लो कितना जल्दी लेके आ गया। भाई साहब मानना पड़ेगा 5:55 तक मैं बाहर आ चुका था, टैक्सी बुक कर दिया था मगर टैक्सी वाले का कोई अता पता नहीं है। मैं बहुत देर से टैक्सी वाले को फ़ोन घुमा रहा हूँ मगर वो बोल रहे कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, टैक्सी वाला आ ही नहीं रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ दिल्ली जो न्यू दिल्ली लिखा हुआ है बैनर उसी के जस्ट सामने हूँ मैं, तो वो भी बोल रहा है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्सी वाला मेरे को बना रहा है उल्टा। सो फाइनली बाहर आके मैं बहुत ही खुश हूँ और बाहर आके मैं कुछ तो बोल रहा था जिसके वजह से नॉइस के वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और दूसरी टैक्सी करनी पड़ी। वो वाला जो उबर वाला ड्राइवर था उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ और 6:18 हो चुका है अभी जाके उबर आई है, पहले वाली उबर कैंसिल हो गई थी। बताओ इतना देर खड़े होने के बाद भी अगर कैंसिल हो जाती है तो बहुत ही बेकार लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। इस उबर में भी दिक्कत आ गई, CNG खत्म हो गई थी तो CNG डलवाना पड़ा, उसके बाद इसमें भी प्रेशर कम था तो प्रेशर भी डलवाना पड़ा, मतलब जो टायर प्रेशर है। उसके बाद निकल पड़े हैं अपने रूम अपने बेला से मिलने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं बेला जाके मेरे को पहचान पाती है नहीं पाती है। तो ये वाला रास्ता भैया को नहीं पता था, मैंने उनको बताया, तो रूम आ चुका हूँ, अब देखते हैं बेला क्या क्या करती है, आप भी देखो। आजा आजा देख सकते हो बेला मेरे को भूली नहीं है, ये गाइस मेरे को बेला भूली ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूली है। ये होती है डॉग की पहचान, जो मैं उसको गोदी में लेके आया था वो फर्स्ट डे वाला अगर व्लॉग आपने देखा होगा तो फिर देख सकते हो ये कैसे मेरे को भूल सकती है, जबकि ना मैं उसको घर उठा के लेके आया था जहाँ पे वो उसको छोड़ के गए थे, मतलब जो ये इसको देने आए थे उसको छोड़ के गए थे और ठंड का मौसम था उस टाइम मैं लेके आया था। पापा बोल रहे थे तेरे को पहचानेंगे ही नहीं, तो मैंने पापा से बोला कि अगर पहचान लिया तो, बोला चलो देखते हैं। और ये देख सकते हो इसका प्यार कम ही नहीं हो रहा है, करीब आधे घंटे तक मैंने इसको प्यार किया, वो तो आधे घंटे तक का व्लॉग बनाया नहीं मैंने। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है,
तो आशा करता हूँ आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर जो करना है कर देना, और अगर पूर्वा एक्सप्रेस के बारे में आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और हो सके तो घर वाले के साथ भी कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और क्या क्या करता हूँ पूरे दिन वो भी आपको दिखाऊंगा बेला के साथ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे को देखो ये बैग तक खोलने नहीं दे रही है, तो सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, जय हिंद, और अपना ख्याल रखना, आसपास का भी ख्याल रखना, और अपनी मम्मी पापा का भी ख्याल रखना।